नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हैदराबाद में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पसमांदा मुस्लिमों के बीच जाने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने स्नेह यात्रा निकालने की भी बात कही थी। तभी से ही पसमांदा मुस्लिमों की चर्चा जोरों पर है और कहा जा रहा है कि क्या यह भाजपा का मुसलमानों के बीच 90:10 कराने का प्लान है ताकि एक बड़े वर्ग के वोट मिल सके। मुस्लिम मामलों के जानकार और पसमांदा के मुद्दों पर काम करने वाले डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी कहते हैं कि भाजपा की यह पहल निश्चित तौर पर असर दिखा सकती है। वह कहते हैं भाजपा की यह पहल अच्छी है और वह वंचित तबके की बात कर रहे हैं। आज तक इस पर किसी ने काम नहीं किया है। भले ही भाजपा इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ भी हासिल करेगी, लेकिन यह पसमांदा वर्ग के लिए भी अहम होगा और यदि उसे इसके जरिए प्रतिनिधित्व मिलता है तो क्या गलत है। यही नहीं, राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी वह इसे अहम मानते हैं। डॉक्टर फैजी कहते हैं उत्तर प्रदेश में अशराफ मुस्लिमों की आबादी 10% ही है, जबकि पसमांदा मुस्लिम 90% तक है। खासतौर पर मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, वाराणसी जैसे शहरों में उनकी बड़ी तादाद है जो दस्तकारी से जुड़े मुस्लिमों की आबादी वाले इलाके हैं। हालांकि फैजी कहते हैं कि हमें पसमांदा मुस्लिम कहने की बजाय भारतीय मुस्लिम और विदेशी मूल के मुस्लिम का फर्क समझना चाहिए। वह कहते हैं कि खुद को अशराफ कहने वाले मुस्लिम वर्ग के लोग विदेशी मूल के हैं और वह अपने को शासक वर्ग मानते हैं। वही पसमांदा मुस्लिम में वो लोग हैं जो किसी दौर में हिंदू ही थे, लेकिन वह मजहब बदल कर मुस्लिम बने तो अपनी जाति और संस्कृति भी लेकर इस्लाम में आए। उनमें से बड़ा वर्ग पिछड़े मुसलमानों का है, जिन्हें मुस्लिमों के बीच अजलाफ कहा जाता है, और जो हिंदू अनुसूचित वर्ग के समतुल्य है उन्हें अर्जाल कहा जाता है। किंतु अशराफ वे हैं जो शेख सैयद हैं, इनकी आबादी 10% के करीब ही है। इन दोनों वर्गों को मिलाकर बने समूह को पसमांदा कहा जा रहा है। पसमांदा शब्द का फारसी में अर्थ पिछड़ जाने से है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।